वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे MCI 550 सॉफ्टवेयर में मिक्सर पैरामीटर के बारे में, कैसे सेटिंग करें। उसके लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं। तो मिक्सर पैरामीटर पे जाने से पहले एक दो चीज़ें और थोड़ा सा जान लेते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर आ गए ट्रक आई डी पे। ट्रक आई डी में हमने कोई एक आई डी सेलेक्ट किया जो ट्रक का हो, तो इसमें यहाँ पे मिक्सर हाफ टाइम जीरो डला हुआ है, यानी मिक्सर हाफ टाइम नहीं है। तो यानी हमको इसमें फुल्ली गेट ओपन करना है, हाफ का कोई मिड का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही हमको मिड ओपन करना है, इसलिए यहाँ पे जीरो है। और जैसे हम यहाँ पे मिलर का नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 14 सेकेंड डला हुआ है, यानी 14 सेकेंड यहाँ से मिड पोजिशन में गेट ओपन होगा, उसके बाद फुल ओपन हो जाएगा, मिड में डिस्चार्ज करने का फुल्ली। तो फिर से चलते हैं मास्टर में। मास्टर में आने के बाद थोड़ा सा रेसिपी पे आते हैं थोड़ा देर के लिए। तो फिर इसमें एक रेसिपी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो जैसे कि मिक्सिंग टाइम 15 सेकेंड है, क्योंकि हम 40 ग्रेड जो है तो इसमें स्लंप ज़्यादा ही जाता है, 160-170 जाता है पंप के हिसाब से या और किसी हिसाब से। तो जब ज़्यादा स्लंप जाता है तो हमको मिक्स करने में उस मटेरियल को टाइम नहीं लगता है, तो मिक्सर की सेफ्टी के लिए मिक्सिंग टाइम कम रखते हैं। और जैसे ही जस्ट यहाँ पे आते हैं डिस्चार्ज टाइम, तो डिस्चार्ज टाइम जैसे कोलैप्स हो गया तो यहाँ पे जब मिक्स स्लंप ज़्यादा हो गया तो डिस्चार्ज भी जल्दी होगा, तो उसके लिए यहाँ पे 15 सेकेंड का डिस्चार्ज टाइम है। और यदि हम मिलर में भरते हैं, जब भरेंगे तो ये 15+ और जो हाफ टाइम रखे रहेंगे वो दोनों जुड़ के टोटल डिस्चार्ज टाइम में जुड़ जाएगा। और यहाँ से बैच कैपेसिटी है, आप कितने MQ का बैच चलाना चाह रहे हैं। मैक्सिमम 2.5 MQ का प्लांट है तो 2.5 से ज़्यादा नहीं चलेगा, मिनिमम आप चाहे जितना चला लेंगे। अभी यहाँ से ओपन करेंगे मिक्सर पैरामीटर। मिक्सर पैरा सेटिंग में आने के बाद आएंगे मिक्सर पैरामीटर पे। तो यहाँ पे जैसे कि डिस्चार्ज टाइम डला हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड डला हुआ है, लेकिन जो हाफ टाइम होगा और 10 ए वो दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और एमिट फर्स्ट जो है ये जीरो रखे हैं, और चाहे तो आप यूज भी कर सकते हैं, काफ़ी इसमें थोड़ा गेट ओपन होगा। और ये सेकेंड वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें यहाँ पे तो मीड के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि गेट बहुत ही थोड़ा ओपन होता है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे मीड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा नहीं तो 35 से 50 तक और 55 तक हम लोग यूज करते हैं। और जैसे कि स्लंप यदि कम हो तो उस कंडीशन में मीड पोजीशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, और यदि कोलैप्स चल रहा है या लूज है तो इधर कम हो करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी स्पीड में गिरता है मिलर के लिए। तो इसमें जनरली हम लोग 40-45-50 यूज करते हैं। मिक्सर मीड पोजीशन होल्ड डिले इन सेकंड, कितने सेकंड डिले करना है। तो यहाँ 15 सेकंड डला हुआ है और 10, यहाँ टोटल 25 सेकंड डिस्चार्ज टाइम हो गया। और मिक्सर मिक्सिंग टाइम इन सेकेंड, 15 सेकेंड मिक्सिंग टाइम, तो काफ़ी हो जाता है मिक्सिंग टाइम 15 सेकेंड। इसलिए क्योंकि यदि 160-170-180 स्लंप पे जब मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए 15 सेकेंड काफ़ी हो जाता है। और यहीं पे यदि आप PQC चला रहे हैं, हाईवा की लोडिंग है, स्लंप मैक्सिमम 50-45-30 जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका मिक्सिंग टाइम 18-20-22 सेकेंड तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर प्री मिक्सिंग तो जीरो है, और मिक्सर ऑफ डिले इन सेकेंड, कितने देर बाद मिक्सर ऑफ करना है आपको। जैसे कि एक गाड़ी भरने के बाद कोई आगे लोडिंग नहीं रहता है, 1x1 चलता है आराम आराम से, उस कंडीशन पे आप इसको जीरो कर दीजिए। और या तो फिर आपकी हाईवा की लोडिंग चलती है, कंटिन्यू प्रोडक्शन है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 10-15 सेकेंड का टाइमिंग डाल लीजिए, क्योंकि जैसे ही एक गाड़ी निकलेगी दूसरे का आप कमांड कीजिएगा तो उस कंडीशन में मिक्सर ऑफ ना हो, क्योंकि मिक्सर बार बार ऑन ऑफ होना ठीक नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्टर की सेफ्टी के लिए या मिक्सर की सेफ्टी के लिए ये सुविधा दिया गया है। तो और यहाँ पे जैसे सब डाटा हम फिलअप करेंगे,
उसके बाद इसको राइट टू पीएलसी जब हम करेंगे, जो भी कमांड किए होंगे, जो भी कमांड में गाड़ी होगी, जो ऑर्डर चल रहा होगा, जो बैच नंबर चल रहा होगा, ये राइट टू पीएलसी करेंगे सिर्फ उसी बैच नंबर पे लागू होगा और किसी पे लागू नहीं होगा। और यदि हम वहाँ से मिलर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो जो मीड पोजीशन मिलर नंबर का जो हमने सेव कर रखा है ट्रक आईडी में जाके, तो जब वहाँ से जैसे मान लीजिए कि इसको अभी हमने छोड़ दिया, अब यहाँ पे आ गए थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए प्रोडक्शन पे आते हैं बैच स्टार्ट पे, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे कि हमने कोई सा भी ग्रिड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने ये मिलर नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या है कि जैसे हम स्टार्ट कर देंगे तो इसमें हाफ टाइम ऑलरेडी डला हुआ है ट्रक आईडी पे, तो वहाँ से वो ऑलरेडी वो हाफ टाइम यूज होगा, वही हाफ टाइम डिस्चार्ज टाइम वो सब कुछ ऑलरेडी होगा। यदि मान लीजिए कि हमने गलती से टीएम नंबर जो है हमने यहाँ पे हाईवा का नंबर कमांड कर दिया, तो अब तो यहाँ पे मीड ओपन नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो हम यहाँ पे आते हैं मिक्सर पैरामीटर में, और यहाँ पे सब कुछ डेटा सेव करने के बाद राइट टू पीएलसी कर देंगे तो सिर्फ वन टिकट नंबर के लिए ये अप्लाई होगा। यदि हम फिर से आगे करते हैं तो मिलर नंबर सेलेक्ट करेंगे, हाईवा नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है रनिंग कंडीशन में आपको चेंजेज करना है तो यहाँ से आपके लिए ये ऑप्शन है। तो आई होप आप लोग हमारे इन्फॉर्मेशन से, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें, और आप लोगों को किस टाइप के वीडियो चाहिए और किस टाइप की जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, संभव होगा तो मैं सब जानकारी दूंगा। धन्यवाद।